वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी और पोहे से बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता, बिल्कुल झटपट बनकर रेडी हो जाता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे जरूर घर पर एक बार ट्राई करें और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले हम एक बोल में एक कप पोहे लेंगे। पोहे को हम साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इस तरीके से दूसरी बार भी हम ये पानी निकाल कर दूसरी बार भी हम पोहे को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो देखिए पोहे को हमने दूसरी बार भी पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे एक हम बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो पोहे को हमें इसी तरीके से 2 से 3 मिनट रेस्ट पे रखना है। पोहे को हमने 2 से 3 मिनट रेस्ट पे रखा था। पोहे हमारे हल्के गीले थे, इसकी वजह से फूल चुके हैं। तो इसे अब हमें हाथों से इस तरीके से मसल लेना है। तो देखिए पोहे को हमने अच्छे से मसल लिया है। मसलने में ज्यादा टाइम भी लगता है, कुछ सेकंड में तो इसे हमने अच्छे से मसल लिया। अब ये हमने एक कटोरी पत्ता गोभी ली है। पत्ता गोभी को हमने साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे कट कर लिया है, वो हम इसमें डालेंगे। धनिया, ये हमने हरा धनिया लिया है, इसे भी हमने साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 कट किए हुए हरी मिर्च, 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 पिंच हींग, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स। तो देखिए तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे। अब इसमें हम 3 चम्मच चावल का आटा लेंगे। चावल का आटा हम जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे, बाइंडिंग के लिए इसे हम यूज कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। तो मिक्स कर लिया है इसे हमने। 1 चम्मच जितना हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बहुत ध्यान से पानी डालना है इसमें हमें। अच्छे से मिक्स करने के बाद तो अभी इसमें हमें थोड़ा चावल के आटे की जरूरत है, तो 1 चम्मच चावल का आटा और इसमें हम ऐड करेंगे। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से आटा डालें। तो मिक्स कर लिया है इसे हमने, देख सकते हैं डो की तरह तैयार हो गया है। अब हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। तो इस तरीके से इसे पहले हमें गोल कर लेना है, फ्लैट कर लेंगे इसे। तो ये रेडी है, इस तरीके से हमें सारे बनाने हैं। तो देखिए ये हमने इसे राउंड शेप दिया है, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। और ये हमने पत्ता गोभी और पोहे का बिल्कुल नया नाश्ता बनाया है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल आसान है इसे बनाना। जरूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। अब ये हमने कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है, ऑयल भी हमारा मीडियम गरम है। तो जो हमने स्नैक्स बनाए हैं उसे हम इसमें डालेंगे। इसे थोड़ा फ्राई होने देंगे, उसके बाद पलटेंगे। थोड़ा फ्राई होने पर इसे पलटेंगे और दूसरी साइड भी थोड़ा फ्राई होने देंगे। तो दूसरी साइड भी हमने थोड़ा इसे फ्राई कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम पे कर देंगे। लो मीडियम पर इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में घुमाते हुए फ्राई करना है। एक बार दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फ्राई होने के बाद ही आपको गैस की फ्लेम को लो मीडियम पे करना है। स्नैक्स हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो बाद में हमने गैस की फ्लेम को लो मीडियम इसलिए कर दिया था ताकि ये अंदर तक अच्छे से प्रॉपर कुक हो। तो इसे एक साइड करते हुए हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और इसी तरीके से जो बाकी हमारे स्नैक्स है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। पहले दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पर, पहले मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड थोड़ा फ्राई कर लेना है, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर लेना है। लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो लीजिए हमारे पत्ता गोभी और पोहे के बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाले स्नैक्स सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
बहुत ही क्विकली बनकर ये रेडी हो जाते हैं। 10 मिनट में तो ये टेस्टी नाश्ता तैयार हो जाता है। अगर अचानक आपके घर में मेहमान आ गए हैं तो भी आप इसे क्विकली बना सकते हैं, और वैसे आप इसे नाश्ते में चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। देख सकते कितने क्रिस्पी बने हैं, बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। जरूर से घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।